प्लीज लेट स्टार्ट। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बस या सिस्टम बस इन अ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जनरली बस क्या होता है? बस का काम क्या होता है? डेटा को ट्रांसफर करना वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। और डिवाइस कौन कौन सी हो सकती है? डिवाइस हमारी हो सकती है सीपीयू, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर, मेमोरी, एएलयू। ठीक है, दीज आर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। और ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग बस। ठीक है, जिसे हम सिस्टम बस या कंप्यूटर बस कहते हैं। तो जनरल डेफिनेशन जो होती है, द सीपीयू सेंड वेरियस डेटा वैल्यूज इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू ऑल द डिवाइसेस एंड कंपोनेंट इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक, तो बस जनरल डेफिनेशन यदि बस को कहा जाएगा तो इट इज अ वायर ऑफ नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक पाथ इज कॉल्ड द बस। इंटरनल स्ट्रक्चर यदि आप प्रोसेसर या मदरबोर्ड का देखेंगे तो इस टाइप का जो लाइनें खींची हुई रहती हैं, लाइन टाइप का आपको दिखेगा, इन्हीं को हम लोग बस कहते हैं, सिस्टम बस या कंप्यूटर बस। जो ये लाइनें आपको डार्क ग्रीन दिख रही हैं कई जगह पे, ठीक है। और जैसे अब हम लोग का जो पुराना सिस्टम सीपीयू था, सीपीयू अलग आता था, मॉनिटर अलग आता था, तो उसमें आप एक प्लास्टिक का ब्राउन या स्लेटी कलर का आप लोग ने देखा होगा, दोनों साइड पोर्ट लगे होंगे, बीच में प्लास्टिक का होगा, मल्टीपल वायर्स उसमें भी ऐड होते हैं, तो वो बस ही होता था। ठीक है, जिसमें मल्टीपल लाइन्स या मल्टीपल वायर्स होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, इनबिल्ड कंप्यूटर आने लगे, लैपटॉप या सिंगल सिस्टम डेस्कटॉप में ही सीपीयू इनबिल्ड होता था, तो उसमें क्या रहता है, हमारा जो वायरिंग सिस्टम है वो इनबिल्ड होता है, इनसाइड द मदरबोर्ड एवरीथिंग कनेक्टेड। ठीक है, तो बस इज अ कम्युनिकेशन पाथ कनेक्टिंग टू एंड मोर डिवाइसेस। स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग बस का सिंपली। ठीक है, तो यदि जनरल स्ट्रक्चर आप बस का देखेंगे तो बस कनेक्ट किससे किससे? सीपीयू से, मेमोरी से, जस्ट वेट कुछ और। जनरल स्ट्रक्चर है, सीपीयू कनेक्ट है हमारा, ये बस है, ये कंप्लीट बस। ठीक है, तो जनरली एक बस में, सिस्टम बस में तीन टाइप के बस हो सकते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करेगा? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा, ओनली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर थ्रू द डेटा बस। एड्रेस बस क्या करेगा? ओनली ट्रांसफर एड्रेस। अब एड्रेस और डेटा में डिफरेंस क्या है? जैसे सपोज करो ये आपके मेमोरी है, ठीक है, 0 1 2 3, ये मैंने यहाँ पे लोकेशन दे दी कि लोकेशन नंबर 0 में हमारी कोई वैल्यू ए है, लोकेशन नंबर 1 पे हमारी कोई वैल्यू बी है, लोकेशन नंबर 2 पे हमारी कोई वैल्यू सी है, लोकेशन नंबर 3 पे हमारी कोई वैल्यू डी है। ठीक है, तो ये जो 0 1 2 3 दीज आर द एड्रेस एंड ए बी सी डी, ये हमारे डेटा हो गए। ठीक है, तो जब भी आपको डेटा ट्रांसफर करना होगा तो किसके थ्रू करोगे? डेटा बस के थ्रू। ठीक है,
यदि आपको एड्रेस ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है, मतलब एड्रेस ऑफ डेटा मतलब यदि मैं कहूँ एड्रेस ऑफ डेटा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब जब आपको ये ट्रांसफर करना होगा तब किसके यूज करोगे, एड्रेस बस का, ठीक है। थर्ड है कंट्रोल बस। अब कंट्रोल बस क्या करेगा, कंट्रोल बस ओनली ट्रांसफर द कंट्रोल सिग्नल्स। अब कंट्रोल सिग्नल्स क्या क्या हो सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स मतलब यदि आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रीड का कंट्रोल सिग्नल ट्रांसफर होगा कंट्रोल बस के थ्रू, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो राइट का सिग्नल ट्रांसफर होगा थ्रू द कंट्रोल बस। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के लिए भी रीड एंड राइट ऑपरेशन, ठीक। ये रीड एंड राइट ऑपरेशन मेमोरी के लिए थे, ये रीड एंड राइट ऑपरेशन हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए, ठीक है। क्योंकि सिस्टम को पता चलना चाहिए कि इनपुट डिवाइस कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, जैसे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, ठीक है, तो ये डेटा ट्रांसफर किसको करेगा, सीपीयू को, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन होता है सिंप्लेक्स मोड में, और सीपीयू को यदि कोई आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो वो डेटा किसको ट्रांसफर कर सकता है, मॉनिटर को, ठीक है। तो कीबोर्ड कोई डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो उसको कंट्रोल सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, तो उस वो कंट्रोल सिग्नल किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, कंट्रोल बस के थ्रू, ठीक है। तो डेटा बस क्या करेगा, जनरली डेटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर थ्रू द बस, एड्रेस बस के थ्रू सिर्फ एड्रेस ट्रांसफर होगा, मतलब एड्रेस ऑफ डेटा। कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल बस ट्रांसफर द कंट्रोल सिग्नल्स, रीड राइट ऑपरेशन फॉर इनपुट आउटपुट एंड रीड राइट ऑपरेशन फॉर मेमोरी, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब इसके बाद ये देखो, यहाँ पे देखो ये बाई डायरेक्शनल है, ये यूनि डायरेक्शनल है, फिर बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो ये क्यों है ऐसा, तो देखो ये सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू कितने कितने कनेक्ट है, पहले ये डेटा बस से, फिर एड्रेस बस से, फिर कंट्रोल बस से, ठीक है। पहले आप डेटा बस, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे डेटा बस बाय डायरेक्शनल कनेक्ट है, मतलब सीपीयू, एक मिनट होल्ड करना, हेलो, हाँ सर, मेल चेक करिए सर, केनाटी वाला, हाँ हाँ अच्छा 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 ठीक है ठीक है, हाँ हाँ श्योर 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 श्योर, ठीक है। तो ये बाई डायरेक्शन क्यों है कि सम टाइम सीपीयू सेंड द डेटा टू मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, सम टाइम सीपीयू रिसीव द डेटा फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। तो बाई डायरेक्शन होगा, जैसे सपोज करो सीपीयू में आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, मान लो सी इक्वल टू ए प्लस बी का, ठीक है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन है हमारा, कहाँ परफॉर्म होगा, एएलयू में, यहाँ पे एएलयू जिसको हटा लीजिए सर, अंदर नहीं लेंगे सर, अंदर नहीं ले रहे, ये वाले में देर से आया है ना, देर से आया है ना, इसमें इस वाले में देर से आया, मोबाइल में है, क्या हो गया, मोबाइल से हम ज्वाइन कर लिए, कर लो अपने आप को, तो जो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एएलयू पे, तो यहाँ पे परफॉर्म होने के बाद कोई वैल्यू कहाँ पे आई, सी में, सी हमारी कोई वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू हमें कहीं स्टोर करानी पड़ेगी आफ्टर ऑपरेशन, तो स्टोर कराएंगे कहाँ पे, मेमोरी में स्टोर हो सकता है, क्योंकि मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो ये सी का जो डेटा है वो सीपीयू ट्रांसफर करेगा डेटा बस के थ्रू मेमोरी को, ठीक है। तो एक डायरेक्शन तो ये हो गया। समटाइम सपोज करो कोई डेटा मेमोरी में है, अब हमारा सी यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। अनदर
ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया R इक्वल टू सी प्लस डी, ठीक है। अब ये C वाला डेटा कहाँ पे, मेमोरी में, तो अगेन अब ये डेटा हमारा कहाँ से आएगा, मेमोरी टू डेटा बस के थ्रू फिर से सीपीयू में। तो जब भी डेटा बस से कम्युनिकेट करना होगा सीपीयू को तो क्या होगा, बाई डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेस लाइन या एड्रेस बस। एड्रेस बस देखो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल कनेक्ट है, मतलब सीपीयू एड्रेस सेंड कर सकता है पर कोई भी एड्रेस रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि एड्रेस की जरूरत कहाँ पड़ेगी, हमेशा एड्रेस की जरूरत हमें मेमोरी में पड़ेगी। ये हमारा मेमोरी है, ये हमारे एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस की जरूरत हमेशा हमें मेमोरी में पड़ेगी, ठीक है। तो सीपीयू एड्रेस, जैसे सपोज कर सीपीयू ने सेंड किया एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो वैल्यू सेंड की, तो मेमोरी में जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ए को फेच करेगा वो, ठीक। इसलिए यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ सीपीयू एड्रेस सेंड कर सकता है, कोई भी एड्रेस रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको उसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा सीपीयू को वो थ्रू द वैल्यू परफॉर्म करेगा। जैसे एडिशन परफॉर्म करना है एड्रेस लोकेशन जीरो और वन के बीच में, तो आप क्या करोगे, एड्रेस लोकेशन ऑफ जीरो प्लस एड्रेस लोकेशन ऑफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी, यदि यहाँ पे बी है तो, ठीक। तो सीपीयू को तो इसकी जरूरत है ना, एड्रेस से तो उसको कोई लेना देना नहीं है, बस वो बताएगा कि इस लोकेशन पे यदि कोई वैल्यू है तो आप हमें ये वैल्यू हमें दे दो, ठीक। तो ये यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल होगा। सेम केस फॉर मेमोरी, मेमोरी क्या करेगा, एड्रेस रिसीव करेगा पर किसी प्रकार का कोई एड्रेस ट्रांसफर नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे दोनों केस में हमारा क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल है। एंड अगेन इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए भी ये यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के केस में फिर से बाई डायरेक्शनल, ठीक है। सपोज करो यदि रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आर सिग्नल सेंड टू मेमोरी, एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो राइट सिग्नल सेंड टू सीपीयू, ठीक है। सिमिलर फॉर इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन के लिए भी बाई डायरेक्शनल होगा कंट्रोल बस, ठीक है। तो डेटा बस हमारा बाई डायरेक्शनल होता है, एड्रेस बस हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, एंड कंट्रोल बस हमारा बाईडायरेक्शनल होता है। हेलो, हाँ रोहित बताओ। अच्छा वेटिंग रूम में है क्या कई लोग? एडमिट किया हूँ अभी, लेकिन ठीक है। नेक्स्ट टाइम टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, 5 मिनट तक का डिले ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मोर देन 5 मिनट ना हो, ठीक है। तो अब डिफिनीशन वन बाय वन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन क्या है, अ कलेक्शन ऑफ वायर थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर पार्ट, तो वो होता है हमारा डेटा बस।
ठीक है, तो डेटा बस, अरे भाई कितना तुम लोग, ठीक है राहुल, ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। ठीक है ओके, चलो सब ज्वाइन कर लिए। तो डेटा बस कैन बी थॉट ऑफ एज अ हाईवे ऑन विच डेटा ट्रेवल्स विद इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो डेटा बस का सिंगल पर्पज काम होता है डेटा को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, डिवाइस भी हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, डिवाइस हमारा सीपीयू हो सकता है, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, इसी टाइप की डिवाइस हो सकते हैं। साइज ऑफ डेटा बस क्या हो सकता है, द डेटा बस में बी कंसिस्ट 32, 64, 128 या इवन मोर सेपरेट लाइन। लाइंस का मतलब क्या हुआ, 32 बिट्स या 64 बिट्स या 128 बिट्स। ठीक है, बिट्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर। म्यूट कर लो भाई, कौन है, वैभव कुमार, ठीक है। तो बिट्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो बिट होता है, यदि 32 बिट है तो 32 बिट का मतलब साइज ऑफ डेटा बस क्या हो जाएगा, 2 के पावर 32 इक्वल टू समथिंग 4 GB के आसपास। ठीक है, समथिंग 4 GB, आपको साइज पता होगा ना, 1 byte इक्वल टू 8 bit। ठीक है, 1 MB इक्वल टू 1024, तो ये आप लर्न कर लीजिएगा, 1 GB इक्वल टू कितना होता है, 1 TB इक्वल टू कितना होता है। ठीक है, तो 32 बिट्स का मतलब डेटा बस की जो साइज होगी वो 4 GB हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह या तो 64 बिट्स का हो सकता है, 128 बिट्स का, या फिर उससे ज्यादा का। ठीक है, और जो नंबर ऑफ लाइंस होते हैं इन अ डेटाबेस वो क्या करते हैं, कैरी द 1 bit इंफॉर्मेशन, 1 bit एट अ टाइम डेटा कैरी करेंगे जो लाइंस होंगी। जैसे सपोज करो मेरा जो डेटा बस है 4 लाइन का है, ये मान लो ये मेरा डेटा बस है, मैंने बनाया है 4 लाइन का, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या करेगा, एक एक लाइन एक एक बिट को कैरी करेगा। तो यदि कोई डेटा आपका 0010 है तो यहाँ पे 0010 ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो 1 bit ट्रांसफर थ्रू द 1 लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज बाई डायरेक्शनल, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बाई डायरेक्शनल कौन कौन से होते हैं, बाई डायरेक्शनल हमारे डेटा बस और कंट्रोल बस होते हैं। डीबी का मतलब डेटा बस, डीबी का मतलब कंट्रोल बस। ठीक है, 16 बिट
bus can transmit 2 byte data and 32 bits can transmit 4 byte data. क्योंकि 1 byte equal to 8 bit होता है, ठीक है? तो 2 byte का मतलब हो गया 16 bit and 4 byte का मतलब 32 bits. The size of bus is a critical parameter in determining system performance. ठीक है, तो size of bus already inbuilt होता है, according to system वो define होता है कि system इतने size का data है. ठीक है, यदि data bus की size ज्यादा होगी तो वो performance तो अच्छा करेगा पर costly हो जाएगा. ठीक है, कहने मतलब क्या है, 32 bit का data bus है और 64 bit का data bus है, तो परफॉर्मेंस में बेटर कौन सा है? 64 बिट्स का. ठीक है, लेकिन कॉस्टली कौन सा होगा? 64 हो जाएगा. तो हमें एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए और परफॉर्मेंस सही होना चाहिए, तो वो डिपेंड करता है. नेक्स्ट है एड्रेस बस. एड्रेस बस क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वायर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लोकेशन इन अ मेन मेमोरी इज कॉल्ड एड्रेस बस. मतलब मेन मेमोरी में लोकेशन क्या है वो फाइंड आउट कौन करता है? एड्रेस बस. क्योंकि एड्रेस बस बस कैरी क्या करेगा? एड्रेस ऑफ डेटा. एड्रेस बस कैरी ओनली एड्रेस ऑफ डेटा. ठीक है, या इन अदर वर्ड द इंफॉर्मेशन यूज टू डिस्क्राइब द मेमोरी लोकेशन ट्रेवल्स अलोंग द एड्रेस बस. ठीक, तो अब सपोज करो आपके एड्रेस बस में 4 लाइन है, 1 2 3 4, ये आपका एड्रेस बस है. 4 लाइन है तो एड्रेस टोटल कितने हो सकते हैं 4 लाइन में? हाउ मेनी एड्रेस? 2 के पावर 4 इक्वल टू 16. ये कैसे पॉसिबल है कि 16 एड्रेस हो गए? जैसे सपोज करो 2 लेफ्ट 4 लाइन का मतलब हो गया 4 बिट्स. ठीक है, 4 बिट्स का यदि कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पहला कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा? 0 0 0. सेकंड कॉम्बिनेशन बनाओगे तो 0 0 1. थर्ड कॉम्बिनेशन 0 0 1 0. फोर्थ कॉम्बिनेशन बनाओगे 0 0 1 1. सिमिलरली इस तरह बनाओगे, लास्ट कॉम्बिनेशन होगा आपका 1 1 1. तो इस तरह टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे? 16. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लोकेशन हो जाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर होगी. ये हमारा सेकेंड लोकेशन, थर्ड लोकेशन. ठीक है, यदि 4 लाइन एड्रेस बस है तो टोटल लोकेशन कितनी हो सकती है? 16. ठीक, यदि n लाइन एड्रेस है हमारे पास तो टोटल एड्रेस कितने हो जाएंगे? 2 के पावर n, 2 के पावर n मेमोरी एड्रेस. नेक्स्ट है एड्रेस बस. पता ही है यूनिडायरेक्शनल होता है. Unidirectional. Take CPU send the address to the memory या input output ports. तो मतलब CPU हमेशा address कौन send करेगा? Who send the address? Always CPU. CPU send the address to memory या फिर input output device. ठीक है, एड्रेस बस कंसिस्ट ऑफ 16, 20, 24 या मोर पैरेलल सिग्नल लाइन. ठीक है, तो एड्रेस बस हमारा 16 लाइन का हो सकता है, 20 लाइन का हो सकता है या तो फिर 24 लाइन का हो सकता है. ठीक है, उसी तरह डेटा बस क्या था हमारा? 32 बिट्स का था, 64 बिट्स का था, 128 बिट्स का था. ठीक है, इसी तरह ये हमारा 16, 20 या 24, उसका 28, 32 सिमिलर इस तरह आगे मूव करेगा. ठीक है, साइज ऑफ एड्रेस बस इन अ डिफरेंट प्रोसेसर. ये हमारे प्रोसेसर है 80,
8086, ठीक है। 8086 में एड्रेस बस 20 लाइन का होता है, ठीक है। यदि 20 लाइन का एड्रेस बस होगा तो इसका मतलब टोटल एड्रेस कितने होंगे, 2 के पावर 20। 2 के पावर 20 का मतलब 1 MB, ठीक है। 2 के पावर, सेकेंड प्रोसेसर हमारा प्लेटिनम, 32 एड्रेस लाइन है, मतलब 2 के पावर 32 इक्वल टू नियरली 4 GB। सिमिलरली इटेनियम प्रोसेसर में 64 एड्रेस लाइन होते हैं, इट कुड एड्रेस 264 बाइट्स इन अ मेमोरी। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर की डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस लाइन हो सकती हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल बस ओनली शेयर द कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल बस क्या करेगा, शेयर द कंट्रोल सिग्नल टू द डिवाइसेस। जैसे सपोज करो कंट्रोल सिग्नल्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो जनरली अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो ही टाइप के कंट्रोल सिग्नल्स को देख रहे हैं। एक तो रीड और राइट ऑपरेशन फॉर मेमोरी, अनदर है रीड राइट ऑपरेशन फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये कंट्रोल सिग्नल आर और डब्ल्यू, ये किसके थ्रू ट्रांसफर होंगे, कंट्रोल बस के थ्रू। कंट्रोल लाइन रेगुलेट द एक्टिविटी ऑन द बस। कंट्रोल बस कैरी द सिग्नल दैट रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस, स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस, ठीक है। स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइसेस का मतलब, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि सपोज करो आपके पास 4 डिवाइस हैं, सीपीयू मेमोरी इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, और आपके पास सिंगल बस है, ये आपके पास एक बस है जिसमें तीनों लाइन है, तीनों बस हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, ठीक है। तो एक टाइम पे कोई एक ही डिवाइस इस बस का यूज कर सकता है, या तो सीपीयू यूज करेगा, या तो मेन मेमोरी यूज करेगा, या तो फिर इनपुट या फिर आउटपुट, ठीक है। एट ए टाइम कोई एक ही डिवाइस इस बस का यूज कर सकता है, ठीक है। और उस टाइम पे कौन सा डिवाइस बस का यूज कर रहा है वो बताएगा हमारा स्टेटस सिग्नल। स्टेटस ऑफ वेरियस डिवाइस डिफाइन बाय कंट्रोल सिग्नल्स। जैसे सपोज करो आप कीबोर्ड का यूज करते हो, तो कीबोर्ड से आपने कोई की प्रेस किया ए, ठीक है। उसके बाद ये आपको डिस्प्ले होता है कहाँ पे, मॉनिटर पे, यहाँ पे ये हमारा मॉनिटर है, ठीक है। अब ये प्रोसेस किसके थ्रू होगा, बीच में हमारा सीपीयू आएगा या एएलयू, ठीक है। तो पहले कीबोर्ड से डेटा कहाँ पे ट्रांसफर होगा, सीपीयू में, मतलब इनपुट डिवाइस से डेटा जाएगा सीपीयू में, किसके थ्रू, बस के थ्रू। मतलब पहले इनपुट डिवाइस ट्रांसफर द ए डेटा टू द सीपीयू बाई यूजिंग बस, ठीक। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस बस का यूज किया, ठीक, तो हमारा डेटा पहुंच गया सीपीयू में। अब सीपीयू को डेटा कहाँ भेजना है, मॉनिटर में। तो नेक्स्ट टाइम सीपीयू यूज करेगा बस का और ट्रांसफर करेगा डेटा को मॉनिटर में, ठीक है। तो टू टाइम बस का यूज हुआ यहाँ पे, बस का टू टाइम यूज हुआ, फर्स्ट टाइम इनपुट डिवाइस ने यूज किया, सेकेंड टाइम सीपीयू डिवाइस ने यूज किया बस का, ठीक है। फोर कंट्रोल मैंने बताए हैं आपको, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ठीक है। तो जनरल कंट्रोल है, तो पहला है मेमोरी रीड,
मेमोरी रीड। तो मेमोरी रीड का मतलब क्या हुआ, डेटा फ्रॉम द एड्रेस लोकेशन टू द प्लेस्ड ऑन डेटा बस। रीड का मतलब मेमोरी से पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे कोई डेटा है आपका, उसको रीड करना है, मतलब डेटा को कहाँ मूव करना है, बस में। ठीक है, तो ये हमारा रीड ऑपरेशन हो गया। राइट ऑपरेशन क्या होगा, डेटा ऑन द बस, मतलब बस में कोई डेटा है, ठीक, रिटर्न इन टू पर्टिकुलर एनी अदर लोकेशन, मान लो इस वाले लोकेशन पे। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या है, मेमोरी से डेटा कहां पे ट्रांसफर हुआ, बस में, तो वो हो गया रीड ऑपरेशन। बस से डेटा कहां ट्रांसफर हुआ, मेमोरी में, तो वो हमारा हो गया राइट ऑपरेशन। तो यदि कहने का मतलब क्या है कि मेमोरी ऑफ लोकेशन टू द बस, तो पर्टिकुलर लोकेशन की वैल्यू कहां पे ट्रांसफर किया हमने, बस में, तो ये हमारा रीड ऑपरेशन हुआ। मेमोरी, सॉरी, अब उसका बस से डेटा यदि मैंने ट्रांसफर किया मेमोरी ऑफ पर्टिकुलर एनी लोकेशन, ठीक है, एलओसी पे, तो ये हमारा क्या हुआ, राइट ऑपरेशन। तो यही कह रहा है कि डेटा फ्रॉम एड्रेस लोकेशन टू बस इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन, डेटा ऑन द बस टू द रिटर्न इन टू द एड्रेस लोकेशन इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन। सेम फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस, डेटा ऑन द बस टू बी आउटपुट टू द एड्रेस इनपुट आउटपुट डिवाइस इज द राइट ऑपरेशन, मतलब बस से डेटा कहां भेजे हम लोग, आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है, ये हमारा इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन, या फिर इनपुट डिवाइस से बस, तो ये हमारा क्या होगा, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन। इट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बस कनेक्शन। ठीक है, तो जनरली यदि रीड राइट ऑपरेशन है तो यहाँ पे दो लाइन यूज किया गया कंट्रोल बस में। ठीक है, अब दो लाइन क्यों यूज किया गया, तो एक लाइन रीड के लिए, दूसरा लाइन राइट के लिए, तो टू लाइन कंट्रोल बस यूज किया गया। ठीक, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था आपके सिस्टम बस का। तो जनरली बस आपके तीन टाइप के होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस क्या करता है, ओनली होल्ड द एड्रेस ऑफ डेटा, डेटा बस ओनली होल्ड द इंफॉर्मेशन, कंट्रोल ओनली होल्ड द कंट्रोल सिग्नल। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है बस आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है बस और आर्बिट्रेशन। तो बस आर्बिट्रेशन क्या होता है, बस आर्बिट्रेशन का मतलब पर्टिकुलर टाइम पे कौन डिवाइस बस का यूज करेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बस। बस आर्बिट्रेशन का मतलब कि जैसे डिवाइस कौन कौन से, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो कौन सा डिवाइस बस का यूज करेगा। ऐसे यदि हम यदि आर्बिट्रेशन सिस्टम नहीं बनाएंगे तो पता नहीं जब कभी सीपीयू यूज कर ले, कभी मेमोरी यूज कर ले, कभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज कर ले। ठीक है, तो एक रूल बनाना पड़ेगा कि बस का यूज कौन सा डिवाइस कब करेगा। ठीक है, तो जनरली ये मैकेनिज्म होता है टू एलोकेशन ऑफ बस। सिंपल पर्पज क्या होता है इसका, कि अलॉट
द बस टू डिवाइस या एलोकेशन ऑफ बस. तो जनरली बस आर्बिट्रेशन थ्री टाइप्स के होते हैं. पहला होता है डेसी चेनिंग, कल देख लेंगे इसको, ठीक है, बस आर्बिट्रेशन को. तो जनरली बस सुन लो, पहला डेसी चेनिंग, फिर पोलिंग, फिर तीसरा होता है इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट. ठीक है, तो थ्री टाइप्स होते हैं. बस आर्बिट्रेशन होता है अलॉटमेंट ऑफ बस, कि ये जो हमारा बस है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी यूज करेगा, मेमोरी का भी यूज करेगी, सीपीयू का भी यूज करेंगे. ठीक है, तो तीन टाइप के मैकेनिज्म है, पहला डेसी चेन, दूसरा है पोलिंग एंड तीसरा है इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट. इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट, ठीक है, तो इसको कल देखेंगे और आज की क्लास काफी है. और पाइथन का लेक्चर भी मैं ही लूंगा, तो पाइथन की क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगा मैं. ठीक है, और आप लोग इसका नोट्स बनाते चलें. ठीक है, और कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. एनी डाउट तो राइट इन चैट, कोई डाउट हो तो चैट में लिख के पूछ लो. Any doubt? No, sir. Rohit Gangwar. ठीक है फिर. It's okay. Just provide. हाँ समीर, provide कर दूंगा PDF. ठीक है. Don't worry about PDF. Okay, it's enough for today. कल मिलते हैं फिर. Okay.